हेलो दोस्तों, मैं हूं ऋषिकेश और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स कॉप। और आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कैरेबियन प्रीमियर लीग के बारे में। तो कल फाइनली सीपीएल 2020 का ड्राफ्ट निकाल दिया गया और सारी की सारी टीमों की फुल स्क्वाड अनाउंसमेंट हो चुकी है और मैं आपको आज सारी स्क्वाड के बारे में जानकारी देने वाला हूं और कुछ काफी बड़े ओवरसीज प्लेयर भी खेलेंगे इस बार, तो जरूर से काफी ज्यादा मजा आने वाला है इस लीग के अंदर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिफेंडिंग चैंपियंस बारबाडोस ट्राइडेंट्स के बारे में। तो सबसे पहले आपको स्क्रीन के ऊपर सारे रिटेन प्लेयर्स की लिस्ट दिख रही होगी। इन प्लेयर्स को किया गया बारबाडोस ट्राइडेंट्स की तरफ से। अब मैं बात करता हूं कुछ ओवरसीज प्लेयर के बारे में। तो ये बड़े ओवरसीज प्लेयर साइन के बारबाडोस ट्राइडेंट्स का नाम आता है इसके अंदर, राशिद खान, एलेक्स हेल्स, मार्कस टॉइनिस और हैरी गर्नी का। ये चार बड़े प्लेयर्स को साइन किया बारबाडोस ट्राइडेंट्स की टीम ने। राशिद खान T20 के नंबर वन बॉलर, बहुत ही कमाल के बॉलर होने वाले हैं। एलेक्स हेल्स पिछली बार भी इसी टीम से खेले थे और बिग बैश में बहुत ही कमाल के फॉर्म के अंदर थे। हैरी गर्नी भी T20 के स्पेशलिस्ट बॉलर है। उसके अलावा मार्कस टॉइनिस एक बहुत ही कमाल के प्लेयर, तो जरूर से बारबाडोस ने काफी कमाल के ओवरसीज प्लेयर साइन किए हैं। अब आपको स्क्रीन पे फुल स्क्वाड भी दिख रहा होगा, तो एक काफी कमाल का स्क्वाड होने वाला है। ओवरसीज प्लेयर के अलावा टीम का शे होप दिखते हैं, जेसन होल्डर दिखते हैं, हेडन वॉल्स दिखते हैं जो कि पिछले साल के हाईएस्ट विकेट टेकर, उसके साथ में जॉनसन चार्ल्स भी टीम के अंदर है और अफगानिस्तान के रहमुल्ला गुरबाज भी टीम में। तो ये काफी स्ट्रांग स्क्वाड लग रही है और बारबाडोस की टीम इस बार भी खिताब जीतने की पूरी पूरी कोशिश जरूर से करना चाहेगा। अब मैं बात करता हूं गयाना अमेज़न वॉरियर्स के बारे में। तो गयाना की टीम को काफी अनलकी टीम कहा जाता है। अब तक वो 5 फाइनल खेल चुकी है और आज तक एक बार भी खिताब नहीं जीत पाई है। तो गयाना की टीम के रिटेन प्लेयर आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। टीम ने काफी बड़े-बड़े प्लेयर रिटेन किए थे इस बार के सीपीएल ड्राफ्ट से पहले। अब मैं बात करता हूं कुछ ओवरसीज प्लेयर के बारे में। तो ओवरसीज प्लेयर्स में नाम आता है इमरान ताहिर, कैस अहमद, रॉस टेलर और क्रिस ग्रीन का। तो ये चार बड़े ओवरसीज प्लेयर होने वाले टीम के अंदर। क्रिस ग्रीन, इमरान ताहिर और कैस अहमद पिछले साल भी इसी टीम का पार्ट थे और ये तीनों बहुत ही कमाल के स्पिनर हैं और तीनों काफी जबरदस्त विकेट टेकर। और साथ ही साथ में इस बार न्यूजीलैंड के रॉस टेलर भी आ चुके हैं टीम के अंदर। टेलर एक काफी एक्सपीरियंस प्लेयर होने वाला है, सब जानते हो, तो जरूर से टेलर के आने से काफी ज्यादा फायदा होने वाला है गयाना की टीम को। आपको फुल स्क्वाड भी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो एक काफी कमाल की टीम लग रही है। ओवरसीज प्लेयर के अलावा निकोलस पूरन, ब्रेंडन किंग, शिमरन हेटमायर, चंद्रपॉल हेमरा जैसे काफी बड़े प्लेयर है, साथ ही साथ में कीमो पॉल से ऑलराउंडर भी। तो गयाना के पास एक काफी स्ट्रॉन्ग स्क्वाड होने वाला है इस बार भी और गयाना की टीम इस बार खिताब जीतने की अपनी पूरी पूरी कोशिश जरूर से करना चाहेगा इस बार। अब मैं आपसे बात करता हूं जमैका थालावास की टीम के बारे में। तो आपको जमैका के रिटेन प्लेयर स्क्रीन पर देख रहे होंगे में नाम आता है एंड रसेल का। टीम ने 4 ही प्लेयर को रिटेन किया था इस साल के ड्राफ्ट से पहले। उसके बाद में मैं मेजर प्लेयर के बारे में बात करूं तो उसमें नाम आता है ग्लेन फिलिप्स, तबरेज शामजी, संदीप लामी छाने, आसिफ अली और साथ ही साथ में वेस्ट इंडीज के बहुत ही बढ़िया प्लेयर कार्लोस ब्रैथवेट का। ये 5 बड़े प्लेयर हैं टीम के अंदर। ग्लेन फिलिप्स बहुत ही कमाल की बैटिंग करते, पिछले साल भी काफी अच्छे फॉर्म के अंदर थे। आसिफ अली भी काफी कमाल के पाकिस्तान के बैट्समैन है, काफी जबरदस्त खेलते हैं वो। संदीप लामी छाने पूरी दुनिया भर में खुद को प्रूव कर चुके T20 मैच में, जेन्युइन विकेट टेकर संदीप लामी छाने। तबरेज शामजी काफी जबरदस्त लेफ्ट आर्म चाइनामैन बॉलर है। वे कार्लोस ब्रैथवेट सब जानते हैं कमाल के ऑलराउंडर होने वाले हैं वो पिछले साल भी काफी कमाल खेले थे सीपीएल के अंदर। तो फुल स्क्वाड आपको दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर। तो इन प्लेयर्स के अलावा को टीम में ओशियन थॉमस दिखते हैं, बहुत ही कमाल के तेज गेंदबाज, साथ ही साथ में सुपरमैन एंड्रयू रसेल भी टीम के अंदर हैं। रॉमन पावल भी काफी कमाल के प्लेयर। उसके अलावा चैडविक वॉल्टन ने भी काफी कमाल की बैटिंग कर दी पिछले साल। तो जमैका की टीम पिछले साल लास्ट पोजीशन के ऊपर रही थी, पर इस बार टीम अच्छा खेलने की पूरी पूरी कोशिश ना चाहेगा। इस बार भी टीम के पास काफी कमाल के प्लेयर होने वाले अपनी टीम के अंदर। अब मैं आपसे बात करने वाला हूं सेंट लुसिया ज़ूक्स के बारे में। तो ज़ूक्स की टीम के रिटेन पर आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे, जहां पे डेरेन सेमी कप्तानी करने वाले इस टीम की। तो अगर मैं कुछ ओवरसीज प्लेयर्स के बारे में बात करूं तो इस बार टीम ने शामिल किया है ऑलराउंडर मोहम्मद नबी को, राइली रूसो को, आनरिक नोकिया को और कॉलिन इंग्राम को। तो ये 4 बड़े प्लेयर आए टीम के अंदर। मोहम्मद नबी बहुत ही कमाल के T20 प्लेयर और वापस सीपीएल के अंदर आ चुके हैं। राइली रूसो ने भी खुद को हर T20 लीग में प्रूव किया है और वो PSL में भी काफी जबरदस्त फॉर्म में थे। आनरिक नोकिया भी काफी जबरदस्त पेस बॉलर, अफ्रीका के बहुत ही तेज बॉलिंग डालते हैं वो। और साथ ही हमें कॉलिन इंग्राम भी काफी अच्छे प्लेयर हैं, वो पिछली बार भी खेले थे इस टीम के लिए वापस से, वो इस साल काफी अच्छा खेले।
हैं जूसरे, तो जूक्स ने भी काफी अच्छे ओवरसीज प्लेयर साइन किए हैं। आपको सारी टीम स्क्रीन पर दिख रही होगी, तो ओवरसीज प्लेयर के लिए आपको रहकिन कॉनवॉल दिखे जो पिछले काफी जबरदस्त फॉर्म में थे, वो एक काफी शानदार प्लेयर है। डेरेन भी वापस से कप्तानी करने वाले इस टीम की, कैसरिक विलियम्स भी T20 काफी जबरदस्त प्लेयर होने वाले हैं, और साथ ही हमें किमानी मैलियस भी काफी अच्छे अंडर 19 के प्लेयर हैं, इस बार उन्होंने कप्तानी कर दी वेस्ट इंडीज से, तो वापस से सेंट लूसिया के पास भी काफी अच्छी टीम होने वाली है इस साल, और ये टीम भी इस बार अच्छा प्रदर्शन करने की पूरी पूरी कोशिश जरूर से करना चाहेगी। अब मैं आपसे बात करता हूं सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स के बारे में। तो सेंट किट्स रिटेंशन लिस्ट पे वो स्क्रीन पर दिख रही होगी, इस टीम में भी काफी बड़े बड़े नाम होने वाले हैं, और टीम ने काफी जबरदस्त 5 बड़े ओवरसीज प्लेयर भी साइन किए टीम के अंदर, जिनमें नाम आता है क्रिस लिन, बेन डंक, रेसी वेन डसन, इस सोडी और सोहेल तनवीर का। क्रिस लिन के बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं, बहुत ही कमाल के T20 प्लेयर हैं, अपने अकेले दम वो मैच पलट सकते हैं। बेन डंक भी काफी एक्सपीरियंस प्लेयर होने वाले हैं, इस साल PSL में काफी जबरदस्त बैटिंग करी थी उन्होंने, वापस से वो CPL में भी अच्छा खेलना चाहेंगे। रेसी वेन डसन काफी उभरते हुए प्लेयर है साउथ अफ्रीका के, और पिछले साल के वर्ल्ड कप में उनके हाईएस्ट रन स्कोर रहे थे अफ्रीका की टीम के लिए। साथ ही साथ में इस सोडी भी काफी कमाल के राइट आर्म लेग स्पिनर बॉलर हैं, वो भी एक जेन्युइन विकेट टेकर है, काफी अच्छी इकोनॉमी से वही पे बॉल डालते हैं। साथ ही साथ में सोहेल तनवीर एक वेटरन पेसर है पाकिस्तान के, उनकी लेफ्ट आर्म सीम बॉलिंग बहुत ही कमाल की होती है, उसके अलावा वो बैटिंग में भी काफी जबरदस्त कैमियो खेलते रहे। काफी बड़े 5 प्लेयर हैं जो कि सेंट किट्स ने शामिल किए टीम के अंदर, आपको फुल स्कोर स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इन बड़े ओवरसीज प्लेयर के अलावा टीम में इवन लुई जैसा स्टार प्लेयर टीम के अंदर काफी कमाल की बैटिंग करते हैं, फेबियन एलन भी काफी कमाल के ऑलराउंडर होने वाले टीम के अंदर, सैल्यूट बॉय शेल्डन कॉटल में दिखते हैं टीम में, वो भी कमाल के विकेट टेकर होने वाले हैं। अल्जरी जोसेफ ने भी बहुत ही कमाल की बॉलिंग करी इस टीम के लिए, टेस्ट टीम का भी पार्ट बन चुके हैं, और साथ ही हमें दिनेश रामदीन पर टीम की कप्तानी करने वाले, तो जरूर से सेंट किट्स के पास भी काफी कमाल का स्क्वाड होने वाला है, और ये टीम भी इस बार चैंपियन बनने की बहुत बड़ी दावेदार होने वाली है। और आखिरी के अंदर मैं आपसे बात करता हूं CPL की सबसे सक्सेसफुल फ्रेंचाइज त्रिनबागो नाइट राइडर्स के बारे में। तो इस टीम की आपको रिटेंशन लिस्ट स्क्रीन पर दिख रही होगी, इस टीम के अंदर काफी कमाल के बड़े बड़े प्लेयर होने वाले वेस्ट इंडीज के। अब मैं आपसे कुछ ओवरसीज प्लेयर के बारे में बात करता हूं, इनका नाम होने वाला है कॉलिन मनरो, फवाद अहमद, अली खान, सिकंदर रजा, प्रवीण तांबे, और साथ में टिम सिफर्ट, ये 6 काफी बड़े प्लेयर होने वाले हैं। कॉलिन मनरो बहुत ही कमाल की बैटिंग करते हैं इस फ्रेंचाइज के लिए हमेशा हर साल, उसके अलावा फवाद अहमद भी मेरे सबसे अंडररेटेड प्लेयर है T20 के, वो एक जेन्युइन विकेट टेकर होने वाले हैं। जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा भी काफी अच्छे प्लेयर हैं, अली खान भी काफी टाइम से खेल रहे इस टीम से, वो भी काफी अच्छी बॉलिंग करते हैं फास्ट बॉलिंग टीम के लिए। साथ ही साथ 48 ईयर्स के भारतीय बॉलर प्रवीण तांबे इस बार टीम के अंदर आ चुके हैं, वो एक बहुत ही अच्छे लेग स्पिनर, और 48 ईयर्स की उम्र के अंदर भी वो काफी कमाल की बॉलिंग करना जानते हैं। उसके साथ ही साथ में न्यूजीलैंड के टॉप ऑर्डर के टिम सिफर्ट भी टीम के अंदर हैं, टिम सिफर्ट भी काफी तेज है, तो वापस TKR की टीम ने भी काफी बड़े प्लेयर साइन किए ओवरसीज के, तो फुल स्क्वाड कुछ मिनट दिख रहा होगा। इन ओवरसीज प्लेयर के अलावा टीम के अंदर सुनील नारायण टीम के अंदर है, ड्वेन ब्रावो टीम के अंदर है, कायरन पोलार्ड टीम के अंदर, लैंडल सिमंस टीम के अंदर है, और साथ में जेडन सील्स भी टीम के अंदर, ये भी एक काफी स्ट्रांग टीम है, और TKR की टीम इस बार भी खिताब जीतेंगी, बहुत ही बड़ी दावेदार होने वाली। तो यही था CPL ड्राफ्ट की इस वीडियो के बारे में, आपको स्क्रीन के ऊपर सारी की सारी टीमों का स्क्वाड दिख रहा होगा, वापस से आप रिकैप कर सकते हो। आप बताओ मुझे कमेंट में कि आपके हिसाब से कौन सी टीम स्ट्रॉन्गेस्ट होने वाली है, और कौन से चार्ट ये पहुंची सेफ वाला, बताओ मुझे कमेंट करके कि आपके हिसाब से स्ट्रॉन्गेस्ट टीम कौन सी इस साल की CPL ड्राफ्ट के अंदर। तो यही था इस वीडियो के अंदर, मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया लाइक जरूर से करना, सब्सक्राइब करना चैनल को इस तरह की वीडियोस देखने के लिए। मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, याद रखिएगा स्पोर्ट्स नहीं तो कुछ नहीं।